नमस्कार दोस्तों, रागनी जी कड़ी भजन जागरण चरकुला सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल देशवाल डीजे साउंड कठुमर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों पूरा सुने और देखें, फिर लाइक करें और शेयर करें। क्या कहें, कुछ कह नहीं सके क्योंकि एक दिन पहले लंबी लंबी मार के आए थे बातें, तो वही मेघनाथ लज्जा के कारण एक यज्ञ करते हैं और यज्ञ भी 1008 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 1008 प्रकार के। कहां से आया यज्ञ वो भी सुनिएगा। आपने परमात्मा का वरहा अवतार सुना होगा, वरहा जो हिरणाक्ष को मारने के लिए आए थे भगवान, वो हिरणाक्ष जो पृथ्वी को जन्म लेके गया था, उसको जो वरहा भगवान प्रभु बने सुअर के रूप में, सूकर। तो जब वो धरती को लेके हिरणाक्ष को मार के ऊपर आए तो पानी में भीगा हुआ शरीर था प्रभु का, और जब पानी से ऊपर आकर उन्होंने जो फुरफुरी ली शरीर को हिलाया तो उनके रोमों से 1008 यज्ञ निकले। और आपको एक बात बता दें, इन सब के हमारे भी पूरे नाम याद ना है। सच यह है हमारे भी 20-30-40 के नाम याद होंगे, 1008 के हमारे भी नाम याद। पुत्रेष्ट यज्ञ, मित्रावरुण यज्ञ, लोमस यज्ञ, ग्रह यज्ञ, नवग्रह यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसु यज्ञ, प्रेत दोष निवारण यज्ञ, आकाशवृत्ति यज्ञ, दिशा दोष निवारण यज्ञ, वास्तुकला का दोष निवारण यज्ञ, नवग्रह शांति का यज्ञ, और दो चार लगा लो, सौम यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ जिसमें घोड़ा छोड़ा जाए, और जो 1008 यज्ञ कर लेता है कोई साधु, ये हमारा प्रसंग नहीं है, मनुस्मृति का प्रसंग है। जो 1008 यज्ञ कर लेता है कोई साधु, उसी के सामने 1008 लगता है। श्री श्री 1008। अब हम जाने तो ना 20 भी यज्ञ करे, ना 2 भी यज्ञ, और श्री श्री 108 और फलाने फलाने 8। तो साहब, शास्त्र की बातें तो दुनिया से किनारे होती जा रही हैं, अपनी मनगढ़ंत बातें वाही वाही लूट रही हैं, जबकि ये पाप का भार है। तो यज्ञ कर रहा है, और वो यज्ञ कर रहा है वो तामसी यज्ञ है, जिसको तांत्रिक क्रिया का यज्ञ कहते हैं। अशुद्ध औषधि, अशुद्ध द्रव्य जहां प्रयोग किया जाता है, तंत्र विद्या वाला यज्ञ, बल अर्जन का यज्ञ वो मेघनाथ कर रहा है। अच्छा, मेघनाथ जब यज्ञ कर रहा था तो विवेकसेन को गुप्तचरों से, गुप्तचर जो गुप्त में जाके कहीं से खबर ले आते, उनसे विभीषण को पता चला, बोले प्रभु मेघनाथ एक तामसी यज्ञ कर रहा है, अगर वो यज्ञ सफल हो गया तो जीतना मुश्किल हो जाएगा, वो यज्ञ उसका खंडित होना चाहिए। तब राम कहते लखन, अंगद नंदलील हनुमान, जाओ उसके यज्ञ को खंडित करो, ऐसा यज्ञ ना होने चाहिए, क्योंकि ये यज्ञ दूसरे का शोषण करते हैं। यज्ञ तो वही हो जिससे दूसरे का पोषण हो, जिससे दूसरे का शोषण हो, वो कोई यज्ञ किस काम का, वो तो पाप का काम है। लक्ष्मण जी खड़े होते हैं, लक्ष्मण जी तो एक बार लड़ चुके हैं, लक्ष्मण जी धनुष बाण उठाते, प्रभु को चरण में शीश नवाते हैं और कहते हैं प्रभु आज मुझे तुम आशीर्वाद दो, अगर मैं बिना मारे आया तो तुम्हारा दास ना कहूं,
शंकर विष्णु भी सहायता करें तो भी मैं आज उसको छोड़ूंगा नहीं। शपथ खाते हैं लखन। और बात तुलसी लिखते हैं मानस में कैसे, ज्योति आज बधे बिन आओ, 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 तो रघुपति शिव सेवक न कहो, तो जो ते आज बधे बिन आवो, बधे मानक मारे बिना मारे आए तो रघुपति सेवक न कहो, मैं तुम्हारा सेवक ही नहीं कहूंगा। ये प्रण की। और दूसरा, जो शंकर सत, अगर शंकर विष्णु भी सहायता करें तो मैं तुम्हारे चरणों में कह रहा हूं तो भी मेघनाथ को नहीं छोड़ूंगा। जो शंकर सति करें सहाय, जो शंकर सति करें सहाय, दादा पहिहते हूं रघुवीर दुहाई, दादा पहिहते हूं दुहाई, जो शंकर करे सहाय तदपि हते हूं रघुवीर दुहाई, तदपि यद्यपि यानी फिर भी हते हूं मार दूंगा दुहाई सौगंध, मैं तुम्हारी सौगंध खाता, तदपि हते हूं रघुवीर दुहाई। दुहाई कहना भी सौगंध है, तेरी दुहाई है गाय गाय दुहाई, जो जो ली जाए राम दुहाई, दुहाई शब्द सौगंध है। पर अब तो दिन भर दुहाई करे तो फर्क ना पड़े, सौगंध की तो कदर रही ना, बात बात पे सौगंध, अब पड़ोसी की खामे खुद की खामे ना, एक आदमी पड़ोसी सौगंध खाओ बात बात पे, पड़ोसी की सौगंध, पड़ोसी की सौगंध, तो उसको पूछा रहे तू पड़ोसी सौगंध क्यों खाता, पड़ोसी ने तेरा क्या बिगाड़ा, और पड़ोसी के इसलिए खाता हूं उसके कोई है ही नहीं है, मैं झूठी खा रहा वो मर जाए तो सब मेरे रह जाए, कमाल। सौगंध को तो लोग कैसा समझते, पहले सौगंधों पे धर्म चलता था, आज धर्म को सौगंध से बचा रहे झूठ बोल बोल के। मैं तुम्हारी सौगंध दुहाई करके जा रहा हूं, अगर आज नहीं बधा नहीं मारा तो तुम्हारा सेवक ना कहो। लखन चलते हैं और साथ में कुछ हनुमान अंगद नंद लीला थी तो भीक्षण भी साथ में है। अच्छा, लंका के मैदान से दूर एक पेड़ था जिसमें अग्नि का सा एक रूप था, यानी भयंकर उसमें अग्नि जैसा एक महसूस होती थी। कभी मेघनाथ ने उसी वृक्ष के नीचे बैठकर माँ को प्रसन्न किया था, तो कहते जब भी वो युद्ध में आता तो उसी वृक्ष के नीचे जरूर आता था पहले, तब मैदान में आता था। ये बात कौन जानता था, विभीषण। अब विभीषण कहते हैं लक्ष्मण को, लखन ऋषि वानर तो गए यज्ञ खंडित करने, लेकिन तुम इस पेड़ के पास खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, जरूर मेघनाथ युद्ध में आने से पहले यहां आएगा और आप उसके ऊपर आक्रमण शुरू कर देना। वहां खड़े हो गए, अब इधर बानर वानर सब वो जो यज्ञ कर रहा है भीतर, जो कोई व्यवस्था होगी पर्वत गुफा आदि जो होगी सुबह में, अब वो जाके उसको परेशान कर रहे हैं। किस किस परेशान कर रहे हैं, कोई अब बंदर तो क्या करता है आप जानते ही हैं, खौस है खसोट है खावे दांतन थे डरावे, लहू निकल रहा है परेशान कर दिया पर तपस्या नहीं छोड़ रहा, तामसी को नहीं छोड़ रहा, जब ज्यादा ही परेशान कर दिया कुछ ऐसा गंदा पदार्थ और भी गंदा उसमें डाला गया, ये सब करने के बाद मेघनाथ का जब लगा कि अब तो पूरा यज्ञ खंडित हो गया है, तब जोश में खड़े हुए और ऋषि वानर जो गए कायल के ऊपर टूट पड़ते हैं,
और अब भीषण युद्ध होता है, सब भाग आते। अब भगवान के कहने पे जो बंदर गए थे तो वो लड़ने नहीं गए थे, यज्ञ को विध्वंस करने गए थे, लड़ने गए हैं केवल लक्ष्मण जी। तो यज्ञ विध्वंस किया, आ गए। और जैसे वो भागते तो मेघनाथ युद्ध के लिए चलता है, तो उसी पेड़ की तरफ जाता है। अब उस पेड़ की तरफ जाता है तो वहां खड़े हैं लक्ष्मण और विभीषण। तो एकदम मेघनाथ आक्रोश भर गया, किसको देख के? विभीषण को, क्योंकि इस जगह पे लक्ष्मण को लाने वाले तुम हो, इसको क्या पता मैं यहां से युद्ध शुरू करता हूं। आज तुमने मेरे घर की पोल दी है, द्रोही, भ्राता द्रोही, द्रेष द्रोही, खबर ने क्या क्या कहा। विष्णु कहता मैं भ्राता द्रोही नहीं हूं, मैंने तो भ्राता को बहुत समझाया था, लेकिन भ्राता ही राष्ट्रद्रोही निकला। देश की चिंता नहीं थी उसे, अपनी चिंता थी खुद की। मुझे धर्म सिखाते हो मेघनाथ, पर क्या तुमको आता है बड़े का आदर कैसे करना चाहिए? तुम किस तरह से बोल रहे हो, तुम्हारा ये क्या यही धर्म है? अब दोनों में उस शब्दों का प्रहार हुआ, ज्यादा बात पड़ी। तो कहते हैं मेघनाथ ने कहा काका पहले मैं तेरा ही हिसाब करता हूं। और जैसे संधान किया तो कौन खड़े विष्णु के पास? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने तुरंत संधान कर लिया, तीर संधान माने धनुष पर चढ़ाना, ठीक है। अब इधर से मेघनाथ का, उधर से लक्ष्मण का दोनों टकराए। मेघनाथ के शस्त्र ने वो शस्त्र समाप्त कर दिया, मेघनाथ घबराया। फिर मेघनाथ दोबारा धारण किया, अब की बार लक्ष्मण का समाप्त हो गया। लक्ष्मण ने घबराहट पैदा नहीं की, श्री लाया, हाँ योद्धा तो है। और मेघनाथ फूल गया कि मैंने तेरा शस्त्र। फिर तीसरी बार, फिर बार लक्ष्मण हर बार शस्त्र समाप्त कर रहे हैं। एक अगली बार जब मेघनाथ को लगा कि लक्ष्मण को जितना मुश्किल हो रहा है, तब मेघनाथ ने कौन सा शस्त्र धारण किया? ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र में जब ब्रह्मास्त्र चलता है तो उसके अगले भाग पर ब्रह्मा जी बैठे चलते हैं, ब्रह्मा के द्वारा दिया। अब ब्रह्मास्त्र जब आता है लक्ष्मण के पास तो लक्ष्मण ने अपना शस्त्र नहीं चलाया, धनुष रखा यहां, तीर रखा तरकस में और दोनों हाथ जोड़ दिए, ब्रह्मास्त्र वापस चला गया। मेघनाथ घबरा गए, ब्रह्मास्त्र कोई वापस कर ही नहीं सकता, जिसके पास ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या हो वही कर सकता है। लखन ने तो ब्रह्मास्त्र भी नहीं चलाया, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र वापस होता है लेकिन वो भी नहीं। तो मेघनाथ धीरे धीरे कबूल कर रहे कि लखन लगता है साधारण मानव नहीं है। दूसरा कौन सा ब्रह्मास्त्र, कौन सा शस्त्र धारण किया? पाशुपत शस्त्र, जो शंकर से मिला, जिसमें सर्प आगे बैठे रहते हैं। वो जैसे वो आया पाशुपत शस्त्र, तो लक्ष्मण उसको भी हाथ जोड़ के वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सर्प बैठे हैं और ये सर्पों का बाप है शेषनाग, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार है। वो भी चौंक गए मेघनाथ, लगता है कि साधारण नहीं है। फिर आखिरी शस्त्र धारण किया नारायण अस्त्र। और नारायण शस्त्र जब धारण करते हैं तो कहते हैं वो चढ़ाते समय तो तीर होता है, चलते समय सुदर्शन बन जाता है, चलता है जब सुदर्शन बन जाता है, चढ़ाए उस समय तीर और जब चला तो चक्र। वो चक्र भी लक्ष्मण हाथ जोड़ खड़े हो गए, तो वो चक्र भी लक्ष्मण के परिक्रमा करके वापिस आ गया। जब तीनों को लक्ष्मण ने भेज दिया तो मेघनाथ वहां से भाग छूटा, छिप गया। विभीषण ने कहा लखन किधर गया? लखन ये मायावी है, कहीं नहीं गया होगा, यही कहीं होगा। लक्ष्मण उसको वही समझ रहे, वो कहां पहुंच गया? रावण के पास।
महल के बाहर से कहता है, पिताश्री मैं आपको समझाने आया हूं। लेकिन एक बात सुनिएगा, ये जो कथा अब हम आपके सामने ले रहे हैं ये मानस की कथा नहीं है। आपने पढ़ी हो तो ये अध्यात्म रामायण की कथा है। अब जो मेघनाथ गए हैं रावण को समझाने, पिताश्री तुम्हारा इसी में भला नहीं होगा, मेरी मानो तो तुम अब सिया को लौटा दो, क्योंकि जो तुमसे लड़ने आए वो साधारण नहीं है। रावण ने कहा, मेघनाथ ये कैसे मान लिया तुमने कि मैंने तीन शस्त्र चला के देखा है, मैं तीनों शस्त्र को लौटाने वाला कोई ईश्वर ही हो सकता है, साधारण आदमी नहीं लौटा सकता। मैंने पाशुपत शास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र चलाया, नारायण शास्त्र चलाया और तीनों को उसने लौटा दिया। रावण को क्रोध आया, मेघनाथ लगता है तुम्हारी मति भ्रम हुई है, शत्रुओं का बल देख के तुम कायर होकर भागे हो मैदान से। तो मेघनाथ ने सुना कायर, बहुत जोश में आ गए, पिताश्री कायर ना कहो मुझे, मैं कायर नहीं हूं, युद्ध से भागा नहीं, कुछ देर के लिए माया से तुमको सावधान करने आया हूं कि वो साधारण नहीं है। तो रावण ने कहा, मेघनाथ तुम पुत्र धर्म निभाओ, मुझे पिता धर्म सिखाने की जरूरत नहीं है, पुत्र का यही धर्म होता है, मैंने जो कहा है वो करिएगा, वे सिखाने आए हो। मेघनाथ ने खूब समझाया, नहीं। फिर कहते रथ आगे चलता मंदोदरी के रथ के नल के सामने, मंदोदरी भी कहती है, मंदोदरी कहती है कि बेटा तुम पहचान गए वो ईश्वर है, हां बाप मैं पहचान गया, तो तेरे पिता नहीं मानते तो बेटा तू उनकी शरण चला जा। नहीं मां, मैं ये पाप नहीं कमाऊंगा, पिता को ऐसी स्थिति में अकेला नहीं छोड़ सकता। वो समझते तो पूरी लंका ही समझती, मैं अकेला ये काम नहीं करूंगा, मैं जान गया वो ईश्वर है पर मैं मेरे पिता को अकेला छोड़कर उनकी शरण में नहीं जाऊंगा, वरना तो मुझे नरक भी नहीं झेलेगा। मेरा तो धर्म इसी में ही बनता है कि मुझे पिता के आदेशों का पालन करना चाहिए। धर्म मेरा तो था, मैंने पिता को कहा नहीं माने, अब मुझसे ज्यादा उनको आज्ञा तो दे नहीं सकता। फिर रथ को आगे ले गए सुलोचना के महल के सामने, सुलोचना कहती है, पतिदेव मुझे लगता है लंका में आप अशगुन हो रहे हैं, लंका का हित नहीं हो सकता। पतिदेव मैं आपको युद्ध में जाने से तो नहीं रोक सकती क्योंकि लंका का अपमान है, पर ये पतिदेव विश्वास से बल से धैर्य से ऐसे युद्ध लड़ना कि हमारे लंका का कोई मंगल होना चाहिए, बहुत अपने वरों का अपने शस्त्र का प्रयोग करना। ऐसे एक कथा अध्यात्म रामायण में, अद्भुत रामायण में आती है कि मेघनाथ चलते युद्ध में से माया से छिप के वहां लंका में समझाने गया, लेकिन लक्ष्मण भी उसे समझ रहे थे कि वही कहीं छिपा हुआ है, तब वो प्रकट होता है, क्योंकि वो आता नहीं देखा जाता नहीं देखा, उन्होंने तो वही छिपता हुआ देखा और वही प्रकट होता देखा, इसलिए आता जाता नहीं दिखा। तो बाबा तुलसी ने ये बीच वाली कथा मानस में नहीं लिखी, ये बीच वाली कथा अद्भुत रामायण में है। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, जय श्री सीता राम। अब आपका चाय का प्रसाद आ गया है, बीच में आपको अब कहां कथा अच्छी लग रही, अब तो आपको चाय अच्छी लग रही होगी, तो फिर चाय को भी स्वाद क्यों बिगाड़े, कथा को भी रस क्यों बिगाड़े, तो आप जल्दी जल्दी आप प्रसाद